हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब? आई होप आप सब घर पे सेफ होंगे और हैप्पी होंगे। तो हैप्पी से बात याद आती है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम लॉकडाउन में हम बोर हो रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे बोर हो रहे हैं उनके लिए आज नेहा मैम की तरफ से डेयर है। डेयर ये है कि आज जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके ऊपर कल आपको एक वीडियो बनानी है। ठीक है, और फिर वो आपको मेरे को सेंड करनी हो। देखते हैं कि किसका फर्स्ट प्राइज आता है, कौन सबसे बेटर बनाता है। तो चलो फिर आज स्टडी कर लेते हैं थोड़ी सी, बिकॉज उसके बाद तो फिर आपको भी तो वीडियो बनानी है। और जो सबसे अच्छी वीडियो बनाएगा, मींस के जिसके कॉन्सेप्ट सबसे अच्छे होंगे, ना कि जिसकी फोटो अच्छी होगी। ठीक है, तो जिसका मटेरियल अच्छा होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, उसको मिलेगा फर्स्ट प्राइज लेंगे। तो चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस। उससे पहले हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस मीन्स कि क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लोइड गैमेट्स। होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब आपको पता है कि जो हैप्लोइड गैमेट्स है वो स्पर्म भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ओवा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे मेनली दो प्रोसेस होंगे, एक तो स्पर्म गैमेट्स की फॉर्मेशन और एक एग गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए। तो वन इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड सेकेंड इज ओजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस है वो सेपरेट होता है मेनली टू प्रोसेस में, वन इज द गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड इज द ओजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस जिसमें कौन से गैमेट की फॉर्मेशन होते हैं? स्पर्म गैमेट्स की फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड स्पर्म। एंड दिस प्रोसेस आर नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड ओजेनेसिस में किसकी फॉर्मेशन होगी? ओवा की या फिर एग की। फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ये भी क्या है? हैप्लोइड। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। यदि हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो ये प्रोसेस कहां पे होता है? इन सेमिनिफेरस ट्यूब। स्पर्मेटोजेनेसिस ये जो प्रोसेस है मेनली दो स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है, या फिर टू फेज के अंदर कंप्लीट होता है। कंप्लीट इन टू फेज। वन इज फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स। एंड सेकेंड इज स्पर्मियोजेनेसिस। सेकेंड फेज इज स्पर्मियोजेनेसिस। फर्स्ट फेज के अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पर्मेटिड की। ये जो फेज है अगेन क्लासिफायर होता है इनटू थ्री कैटेगरीज या फिर सब डिवाइड हो रहे हैं ये मेनली थ्री फेज के अंदर। वन इज मल्टीप्लीकेशन फेज। सेकेंड इज ग्रोथ फेज। एंड लास्ट इज मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज। अब ध्यान रखिए कि जो ये वाला फेज है इसमें स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी। स्पर्म की फॉर्मेशन कौन से फेज में होगी? स्पर्मियोजेनेसिस में। तो इस प्रोसेस में क्या होता है या इस फेज में क्या होता है? जो स्पर्मेटिड्स है ये किस में कन्वर्ट होंगे? स्पर्म में। मैटर कन्वर्टेड इनटू द हैप्लोइड मोटाइल स्पर्म। क्लियर?
ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते जा रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये तो थी एक इंट्रोडक्शन के बाद कि कैसे स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, बट अभी तो हमें इन तीनों फेज के बारे में भी बात करनी है। तो प्रोसेस के शुरू होने से पहले एक बार ये तो देख लेते हैं कि भाई सेमनिफेरस ट्यूबुल होती क्या है, बनती कैसे है। तो चलो फिर करते हैं इसकी कहानी शुरू। सेमनिफेरस ट्यूबुल, अब हम बात कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, मेटोजेनेसिस की जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी कैसे फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले देखिए कि जो स्पर्म है उसका एग के साथ क्या होगा, फ्यूजन, और क्या बनेगा, जायगोट। दिस इज द स्पर्म जो कैसा है, हैप्लॉइड, फ्यूज हुआ ओवा के साथ, जो कैसा है, हैप्लोइड, और किसकी फॉर्मेशन होगी, जायगोट की, जो कैसा है, डिप्लोइड। क्लियर। जो जायगोट है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ब्लास्टुला बनाएगा, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में एंटर करेगा, और फिर क्या होगी, जर्म सेल्स की भी फॉर्मेशन होगी गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के टाइम, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के टाइम आपको पता है मेनली थ्री पार्ट की फॉर्मेशन होती है, वन इज फोरगट, सेकेंड इज मिडगट, एंड लास्ट इज द हाइंडगट। तो ये मैं लास्ट स्टेज दिखा रही हूं जहां पे थ्री पार्ट की फॉर्मेशन हुई है एम्ब्रियो में, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। तो यहां पे क्यों मैंने ये चीज बताई है, तो चलो फिर देखते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, सेक्स सेल। ये सेक्स सेल कहां पे प्रेजेंट होते हैं, इन द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड द हाइंडगट, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। और ये जो सेक्स सेल है ये बनी कैसे है, मियोसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू ही क्या बने है? ये सेक्स सेल, जो सेक्स सेल है ये होते हैं एंडोडर्मल इन द ओरिजन, एंडोडर्मल ओरिजन। जो सेक्स सेल है ये आपस में फ्यूज करके क्या बनाते हैं, सेक्स कोर। दिस इज द सेक्स सेल फ्यूज कर रही है और क्या बना रही है, सेक्स कोर। ये जो सेक्स कोर है ये सॉलिड होती है एंड होलो स्ट्रक्चर। अब यदि हम इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो ये कैसी नजर आती है, कुछ इस तरह से। जैसे ही हमने सेक्स कोर का जब ट्रांसवर्स सेक्शन देखा तो हमें कुछ ऐसे नजर आती है, दिस इज द सेक्स कोर, और ये होती क्या है, सॉलिड, इसलिए इसका क्या बोलते हैं, कोर। जो ये सेक्स कोर है ये कैसे होती है, होलो स्ट्रक्चर, जस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर। ये जो सेक्स कोर है अब ये कहां पे माइग्रेट करेगी, फ्यूचर गोनाड्स में, माइग्रेट इनटू फ्यूचर गोनाड्स। फ्यूचर गोनाड्स मीन्स की बाइपोटेशनल गोनाड्स। ओके, आपको ये चीज दिख नहीं रही होगी, दिस इज द फ्यूचर गोनाड्स, सेक्स कोर माइग्रेट इंटू बाइपोटेशनल और फ्यूचर गोनाड्स।
जैसे यहाँ पे जो है सेक्स कॉर्ड माइग्रेट कर जाएगी तो यहाँ पे ये अरेंज हो जाती है, दिस इज द सेक्स कॉर्ड, और आपस में ये जितनी भी जो सेक्स कॉर्ड है ये क्या करेगी, फ्यूज, फ्यूज करके क्या बनाएगी, सेमनिफेरस ट्यूबुल। जितनी भी जो ये सेक्स कॉर्ड है आपस में फ्यूज कर रही है, और क्या बना रही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर? यदि हम एक इसका यहां पे सेक्शन देखते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कैसे नजर आती है, तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसमें मेनली टू टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, वन इज जर्मिनल सेल एंड सेकेंड इज सर्टोली सेल, दिस इज द सर्टोली सेल। ये सारी की सारी कैसे है, सर्टोली सेल एंड दिस इज द जर्मिनल सेल। ये है जर्मिनल सेल एंड दिस इज द सर्टोली सेल। तो ये कौन सी है, जर्मिनल सेल एंड दिस इज द सर्टोली सेल। तो जो स्पर्म मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, मींस की स्पर्म की फॉर्मेशन, वो मेनली कहां पे होती है, इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल में। तो चलो फिर देखते हैं इसका प्रोसेस। ये था सेमिनिफेरस ट्यूबुल की फॉर्मेशन। अब याद कीजिए, अभी हमने बात की थी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो मेनली टू फेज के अंदर कंप्लीट होता है, वन इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटो, ठीक है, और इसके भी मेनली थ्री फेज है, या फिर ये डिवाइड हो रहा है इंटू थ्री कैटेगरीज, दैट इज इट इज सब डिवाइडेड इंटू थ्री फेज, वन इज मल्टीप्लीकेशन या फिर मल्टीप्लीकेटिव फेज, सेकेंड इज ग्रोथ फेज एंड थर्ड इज मैच्यूरेशन फेज। तो अभी सिर्फ हमें इसके बारे में स्टडी करनी है, हो कहां पे रहेगी ये प्रोसेस, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में। तो एक बार हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल में कुछ जर्मिनल सेल भी प्रेजेंट होते हैं और सर्टोली सेल भी, ये है सर्टोली सेल। ठीक है, दिस इज द सर्टोली सेल एंड दिस इज द जर्मिनल सेल। ये है जर्मिनल सेल। जो ये सर्टोली सेल है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय द टाइट जंक्शंस, दिस इज द टाइट जंक्शन, जिसकी वजह से मेनली टू कंपार्टमेंट की फॉर्मेशन हो रही है। देखिए, एक तो ये कंपार्टमेंट है एंड सेकंड इज सेंटर कंपार्टमेंट। तो ये वाला जो कंपार्टमेंट है इसको बोलते हैं हम बेसल कंपार्टमेंट, बेसल कंपार्टमेंट, जहां पे क्या होता है, माइटोसिस, माइटोसिस, और यही वो लोकेशन है या फिर यही वो साइट है जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। इस कंपार्टमेंट में क्या होता है, स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, बट
कंप्लीट कहाँ पे होते हैं, मींस की जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है, इस सेंटर वाले कंपार्टमेंट में, और इस कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, एड लुमिनल कंपार्टमेंट, एड लुमिनल कंपार्टमेंट। यहां पे क्या होता है, मियोसिस, और इसी कंपार्टमेंट में किसकी फॉर्मेशन होते हैं, स्पर्म की, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि यहाँ पे क्या है, स्पर्म, स्पर्म कैसे है, हैप्लोइड, ठीक है। यहाँ पे जैसे WBC है, बहुत सारे प्रोटीन्स की प्रेजेंट है, तो ये जो WBC है जिसको हम सोल्जर ऑफ द सेल बोलते हैं, तो क्यों ना ये इस स्पर्म को भी तो डिग्रेड कर सकते हैं, बट डिग्रेड नहीं कर पाते, वाई, जल्दी से बताओ इसका आंसर। हमने बोला कि जो एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट है यहाँ पे स्पर्म, बट जो सर्टोली सेल है यहाँ, इसके जो बेसल कंपार्टमेंट में क्या है, WBC या फिर और जो प्रोटीन्स है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इस हैप्लोइड सेल होते हुए भी इसको डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, इसका रीजन बताइए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, यस, मैन का बिल्कुल सही आंसर है, बिकॉज सर्टोली सेल है आपस में कनेक्टेड है किसके थ्रू, टाइट जंक्शन के थ्रू, और जो ये टाइट जंक्शन है ये ओनली हाइड्रोफोबिक या फिर लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स को ही क्या करवाता है, पास इनटू द एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट, मींस की जो प्रोटीन है जो कैसे होते हैं, लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है, वो बेसल कंपार्टमेंट से एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट में पास नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म है जो हैप्लोइड होते हुए भी इसकी डिग्रेडेसिस नहीं होती है, क्लियर। ये तो थी एक स्ट्रक्चर के बारे में, तो चलो फिर एक बार हम इसके प्रोसेस के बारे में और